हमने ई सिगरेट को अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के बच्चों को, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को और जो इसकी लत के शिकार हो सकते हैं उन सबको बचाने के लिए इसको ई सिगरेट को पूरी तरह से बैन किया है। अब स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरे लिए तो लोगों के स्वास्थ्य और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। हमने तो इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया था, इसलिए इसका पहले ऑर्डिनेंस लाए थे और ऑर्डिनेंस लाने के बाद अब जो है इसको एक प्रकार से ये मैंडेटरी भी होता है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल बना के पास किया जाए, तो पार्लियामेंट के अंदर आज लोकसभा में पास किया है। अब हमें विश्वास है कि इसके बाद ये राज्यसभा में पास होगा और हमारे देश में हम कम से कम किसी बच्चे को, किसी को भी ई सिगरेट के कारण जो है उसकी लत का शिकार, निकोटीन की लत का शिकार नहीं होने देंगे। किसी इंटॉक्सिकेंट की जो भी डिलीवरी उसके माध्यम से हो सकती है ई सिगरेट का, उसका शिकार नहीं होने देंगे और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो भी संभव है वो सरकार सब कुछ करेगी।